तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो, मेरे मृत्यु के दिन नजदीक आ गए हो। पिया जी, जी ये आप क्या कह रहे हैं? पिया जी आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली है, आप थक गए हैं। आप एक काम करिए, मेरे पास आके बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओए सावित्री मेरे प्राण काट कोए, ओए ले जाना चावे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर सा। दुश्मन काल लहू दे का मेरा चाटन न हो रहा से, लेक कुलाड़ा आड़ मेरे कोई काटन न हो रहा से, अरे सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन न हो रहा से, मेरा जी लिकड़ा मैं मरिया पड़ा सिर पाटन ने हो रहा से रे। हो गया अब मैं बच नहीं पाऊंगा, अंतिम दो या तीन बात और आपसे करना चाहता हूँ। पिया जी जब तक मैं आपके साथ में हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुन ले, कहिए। ओ एक कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की ओ रे, कर्म कुलाड़ा गैर लोभ की लकड़ी त्याग चल्या रे, ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चल्या रे, अंधे मात पिता न छोड़ के मैं निर्भाग चल्या रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चल्या रे, हो सती सुहाग चल्या रे। बेसमझे बेपरख कहने के एकदम फटका खा के सत्यवान गिर जाता है, और सावित्री ने सत्यवान का सर अपने गोड़े पे धर लिया और कहते कि मैं भी देखती हूं कि आज कौन सी ताकत ऐसी है जो मेरे पति को मुझसे छीन के ले जाएगी। मातो बहनों आप ध्यान से सुनना इस रागिणी को। यमराज आया और यमराज आके सत्यवान की आत्मा को निकालता है। किस प्रकार हिंदुस्तान की ये वीरांगना सावित्री यमराज को अपनी बातों के पास में फंसा के अपने पति के प्राण वापस लेगी, एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। मैं यमराज के रोल में आ रहा हूं, चलिए भैया। हेलो, यमराज ने जैसे ही अपना हाथ सत्यवान की आत्मा को निकालने के लिए बढ़ाया, रुकिए महाराज,
मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटी क्या मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं? जी बिल्कुल महाराज। सजनों ऐसा पहली बार हुआ। यमराज को कोई जीते जी नहीं देख सकता, लेकिन सावित्री ने तो उसका हाथ पकड़ लिया। सावित्री तूने निर्जला एकादशी ग्यारस माता के व्रत करे हैं, जिसके महात्म के कारण आपने मेरे दर्शन कर लिए। बेटी ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। तेरा पति है? जी। लाडो यो ते मर लिया। नहीं महाराज। इसकी आयु पूरी हो चुकी है? नहीं महाराज। जितने गिनती के सांस थे सबके में पूरा हो लिया। मैं यमराज हूँ, इसकी आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में स्थानांतरण करवाऊंगा। जब तक तू इसके कने बैठी है मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता सावित्री, क्योंकि तू निर्जला ग्यारस माता की भगतनी है। अगर मैं तेरे नजदीक आया तो मुझे भस्म होने का डर है। मैं निवेदन करता हूं इस मृतक शरीर से तू अलग हट जा, ताकि मैं इसकी आत्मा को निकाल लूं, मैं अपना काम करूं। नहीं महाराज। अरे मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप मेरे पति के प्राण पक्ष दीजिए महाराज। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। रहम कीजिए महाराज। यमराज के आगे रहम की भीख मत मांग। अभी तो हमारी शादी के एक वर्ष हुए महाराज, और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए महाराज। एक साल तक पति का सुख भोग लिया। अरे दुनिया में ऐसी भी तो लड़की है जो एक दिन सुहागन और दूसरे दिन अभागन हो जाती है। तेरे पति की उम्र पूरी हो चुकी है, अब तुझे तेरा कर्म करना चाहिए। इन लकड़ियों को इकट्ठा कर और इसकी चिता बना के अग्नि दे दे, अंत्योष्टि कर दे। नहीं महाराज। और यमराज को यमराज का काम करने दे। बेटी अलग हट जा। नहीं। अलग हट जा। नहीं महाराज। बेटी अलग हटना होगा। नहीं। धीरज रख, ये दुनिया किसी के मरने से रुकती नहीं है। चाहे कोई कितने प्यारा हो, कितने कमाऊ हो, किसी के मरने से दुनिया नहीं रुकती, इसलिए तेरा भी कुछ न कुछ विधाता भला करेगा। अलग हट। नहीं महाराज। सावित्री मेरे कार्य में बाधा मत डाल, अलग हट जा। नहीं हटूंगी महाराज। अरे मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अलग हट जा लाडो, अलग हट जा। नहीं। क्योंकि तेरा फर्जी अड़े हुआ पूरा, अब सावित्री उल्टी हट जा। तेरा फर्ज था, पति के ऋण से उऋण हो चुकी है, अब तू उल्टी अड़ जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी तू जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी तू जिंदगी कट जा। लाडो मैं बार बार विनय अनुनय करता हूँ, आप यहाँ से हट जाइए। महाराज कैसे हट जाऊं? अगर आप मेरे पति के प्राण निकालना ही चाहते हैं तो महाराज आप मेरे भी प्राण निकाल लीजिए। नहीं, मैं चाहकर भी किसी के प्राण निकाल नहीं सकता और चाहकर भी किसी के प्राण वापस नहीं कर सकता। तो महाराज मैं अपने पति से नहीं हटूंगी। बेटी ये विधाता का नियम है, तेरे भाग में यही लिखा था, लाडो हटना होगा। नहीं महाराज। अरे लगता है यमराज को कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। बेटी क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। एक काम कर, खड़ी हो, देख वो गुलाब का फूल खिल रहा है, उस फूल को तोड़ के ला। जब तक तू फूल लेके आएगी मैं तेरे पति के प्राण वापस दे दूंगा। जा। नहीं महाराज नहीं,
आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज। कैसा छल? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे बड़ी चालू है तू, क्या चाहती है मुझसे? अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। तेरे के पति का तो रोड़ा है यो। लड्डू पति को तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे और बहुत कुछ दे सकता हूँ। क्या? इस सत्यवान के सिवा मांग ले, सत्यवान के सिवा मांग ले, हर गिज को न्याताल करूं। दिखे पहले वचनी, पहले वचनी भरो भगवान में, आगे फिर सवाल करूं। अच्छा वचन भर लू तो हट जाएगी जी। तो ले जल्दी कर, एक दो तीन। ठीक है महाराज। हाय सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जावान वसता जति पति बिन, ओए भोग से बंधा किसे डाल करूं। जवानी अवस्था जति पति बिन, भोग से बंधा किसे डाल करूं। ए भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, भले बुरे कर्मों का लेखा, ईश्वर के घर छट जा। हे झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा फट जा। झूठा मोह का जाल जगत में, एक दिन मेरा फट जा। से अलग हटती हो तो हमने तीन वचन भरे हैं, जाओ हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं और यमराज आपको तीन वचन को तीन वरदान में बदलता है। लेकिन ध्यान रहे, एक भी वचन में एक भी वरदान में अपने पति को नहीं मांगना है। तीन वरदान दूंगा, पूरी कायनात की कोई भी चीज मांग ले दे दूंगा, पर इस पति को मांगा तो अच्छा नहीं होगा। एक वचन तू भर के पति को नहीं मांगूंगी और तीन वचन मैं दे दूंगा, वरदान दे दूंगा तीन, जो कहेगी मैं दूंगा तने, मेरा वचन है ये। एक बार ख्याल कीजिए महाराज, थोड़ा सा सोचिए महाराज। क्या सोचूं? मैं कैसे रहूंगी महाराज, किसके सहारे रहूंगी? तू घनी बड़ी है दुनिया में। मेरे सास ससुर है महाराज, वो भी दोनों अंधे हैं। फिर मैं क्या करूं? और उनकी एक ही संतान है महाराज। मेरे आगे रहम की भीख मत मांग, कोई फायदा को ना। अरे जब दुनिया के आदमी मरे है तो सब नुए तक है, ए भगवान दादा मैं जी छोड़ दे, छोरे का ब्याह देख कमर जाएगा। मेरे आगे रहम को ना, मैं तो तुझे तीन वरदान दे सकता हूं, जो तू कहेगी मैं तने दे दूंगा, पर वचन भर कि तू अपने पति को नहीं मांगेगी। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं अपने पति के प्राण ना मांगू, इधर इधर, तो ठीक है महाराज, लीजिए वचन, मैं अपने पति के प्राण ना मांगू। बड़ क्या काम हो, कर ले बेटी यकीन मेरा। दिखे राज मिले, अरे राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल तरीन मेरा। राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल तरीन मेरा। पहले वरदान में मांगे है तने, तेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंख खोल दो। जी महाराज। तेरा ससुरा धुमत सेन कभी राजा होया करता था, जो चोंडा राय मंत्री ने राज खोज लिया, वो राज दिला दूं? जी। ये तेरा पहला वरदान है बेटी? हाँ महाराज। तो बेटी तथास्तु, ऐसा ही होगा सावित्री, जा ऐसा ही होगा सावित्री,
इब देख लिए तुसीन मेरा। अरे बिना पति के श्रीमान मन होगा कटी बली ने मेरा। लोगो जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा। अरे उस मानसी की कर ले जो कई बात में डट जा। उस मानसी की कर ले जो कई बात में डट जा। किसको भी लेके जा और तेरे वरदान तीन पूरे करके जाऊंगा। सुन ले बात को। लड्डो दो वरदान बचे हैं, समय खराब ना करे, जल्दी करके मांग ले। तो महाराज सुनिए मुझे आपसे दो वरदानों में क्या क्या चाहिए। है सोच फिकर, ओ, 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 सोच फिकर को छोड़ सती, सोच फिकर को छोड़ सती, अब दिल की चिंता दूर करो। दिखे दो पुत्र हो है? दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान, तू चाहती के तेरे पिता के दो पुत्र हो। जी महाराज। यानी के तेरे दो भाई। तेरे दो भाई। हाँ महाराज। बेटी बड़ा खुश हूँ आज तेरे पे। दो नहीं, जा सो भाई तेरे हो जाएंगे, सो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। अरे एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी को किसे तेजस्वी और शूरी करो। एक बेटा हो मेरी को किसे तेजस्वी और शूरी करो। धन्यवाद करता हूँ तेरा के तूने अपने पति को नहीं मांगा। जी महाराज। मैं दोहरा देता हूँ, कदे पाछे नु कई यमराज आयर चीटिंग कर गया। धन्यवाद बेटी। पहले वरदान में तेरे सास ससुर का राज और उनकी आंखें। जी महाराज। तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के दो नहीं 100 पुत्र देता हूँ। तथास्तु। ठीक है महाराज। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी। तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ, हे देता हूँ वरदान सती, मैं देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जाओ। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों रोकती है? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई महाराज। तेरे तीन वरदान थे जो तथास्तु कर चुका हूँ। मेरा तथास्तु छोटा मोटा कौन है? कर दिया तो पत्थर की लकीर है। अच्छा। पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख उनका राज। हाँ? दूसरे वरदान में तेरे पिता के 100 पुत्र। जी। तीसरे वरदान में तेरे भी पुत्र तथास्तु। अच्छा? देता हूँ वरदान सती, अब काया का तेरा दुख हट जा। देखे कैसे होगा, क्या कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब बतिया ले हट जा। मैंने मैंने पहले ही कहा था। क्या? के इस पिता को मत मांगना। पिता? के है यो? पति? कभी पिता कहती है, कभी पुत्र कहती है, कभी पति कहती है। अनुप्रास अलंकार में मुझे तूने भटका दिया। सावित्री चालाक मत बन, हमने पहले ही कहा था इस के है यो? पति। हम पति, इस पति को मत मांगना। महाराज मैंने पति को कहां मांगा है? अरे मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। अरे पुत्र दे तो दिया तेरे भी और तेरे बाप का भी। अच्छा, पर एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। ये
तुमने सोचा ही नहीं। सावित्री, तेरे देश में खैरानी में गर्मी बहुत है, बबका हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। बच्चा मुन्ना, हम इसको नहीं दे सकते। नहीं महाराज, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं और जल्दी से जल्दी पूरी कीजिए, और अगर पूरी नहीं कर सकते तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए। बाण गई महाराज की बेइज्जती। ए लड़की, मैं यमराज हूं, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं, क्या तुझे तनिक भय नहीं है मुझसे? नहीं है। मुझे देख। हाँ। देवी, देवी, तेरा बुढ़े लोग तो नहीं लेना आऊंगा। हम नहीं दे सकते इसको। नहीं महाराज, देना ही होगा आपको। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अगर आप अपने 3 वरदान पूरे नहीं कर सकते तो वचनहार हो जाइए महाराज, और जहाँ से आए हो आप वहीं से वापस चले जाइए। इतनी बेइज्जती ना कर, मरेगी तू भी एक दिन, जब बताऊंगा तुम्हें। नहीं महाराज, इतना बुरा मत करे। आपका नाम तो वैसे भी यमराज है, यमराज। तुमने तो मुशी बना दिया। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कर रहे थे तथस्तु तथस्तु, अब कीजिए तथस्तु। इसी तीसी होगी तथस्तु भी। पर आपका नाम तो यमराज है। अरे सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी गोन्या। अरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे, जो आया है वो जाता जरूर है। मेरे तो ऊपर भी तो ब्रह्म विष्णु महेश बैठे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे कुछ नहीं पता, आपने वरदान दिए हैं, अपने वरदान पूरे कीजिए महाराज। लाडो तू आज जुड़वा ले। नहीं, तू 2 वरदान और ले ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे मत ले, यही चाहिए महाराज मुझे। बहुत गलत कर रही है। नहीं सावित्री, सावित्री कुछ नहीं। हाय सावित्री, तन्ने वचन भरा के, सावित्री तन्ने वचन भरा के, मैं चक्कर बीच फसाया। नो निधि दिख नो निधि, और बारा सिद्धि आदि ने है। अरे क्यों कर जीवित, कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। दिखे सब कुछ, अरे सब कुछ कर सकती है भक्ति भगवान भजन में पाया। नहीं माने? नहीं। कर दू जिंदा, हाथ ठाक बता कर दू। एक परीक्षा पास करनी होगी सावित्री तेरे को। कैसी परीक्षा महाराज? हमने देख लिया तेरी उम्र आज से 100 की बकाया है। अच्छा, अगर तू अपनी आधी जिंदगी यानी के 50 यमराज को दान कर दे संकल्प देके, तो तेरी आधी जिंदगी तेरे पति सत्यवान को दे दूंगा। 50 तू जी लेना, 50 तेरा पति जिएगा, दोनों कट्ठे मरोगे। पर लाडो ये चुनाव तुझे करना है, आधी जिंदगी का दान देगी या नहीं देगी। मेरा मशवरा तो ये है, क्यों खराब करे आधी जिंदगी ने? अरे ईश्वर के वरना पता नहीं कितने और मिल जाएंगे। बड़बा दे सुसरे ने, घनी दुनिया बड़ी रंगीन है बेटी, आधी जिंदगी को खराब करेगी जब ये जिंदा होगा। अब तेरे हाथ में बात है, मैं आजाद हुआ, बोल जिंदा करूं या ना करूं या ले जाऊं? महाराज हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या? अगर मेरे पूरे आप 100 भी मांगेंगे, जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी। अरे ताली बजानी पड़ेगी भाई। ले तो ले, दे आधी जिंदगी दे। लीजिए महाराज। या तेरी आधी जिंदगी दी तेरे पति को। खड़ा हो बेटा। अरे मान सिंह ने मन क्या कर रहा है? महाराज आपने वचन दिया, पुत्र करूं। मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर का रट जा। अरे कह रघुनाथ जरम तीरथ पे सारा कट को दिया।
अच्छी लगी तो हाथ उठा के बोलिए सती माता सावित्री देवी की, बाबा भौमिया की, बोलो शंकर भगवान की। सजनों ऐसी ही प्रस्तुति।